जा, अकेले आए, चुपचाप चली जा। पंडित जी वहां से अपने घर गए, रुक्मिणी जी अकेली अकेली चुपचाप चली है वहां से, थाली सजाई और अपनी माँ के गले से मिली है, माँ अब हम हमारी शादी कब होगी, कल, ससुराल कब जाएंगे, परसों। तो कहने लगी, मैया ऐसा लगता है हम तुमसे जब दूर होंगे ना तो हमें इतना रोना आएगा, इतना बुरा लगेगा, ऐसा लगता है कि आज ही तुम्हारे गले से लग के खूब रोए। रुक्मिणी की माँ कहती है, अब ऐसा रही हो तो आँखी लाल पड़ जाए, जाओ पूजा करे आओ, बाकी बाद में अब शादी थोड़ी ना हो रही। रुक्मिणी जी अपनी माँ के गले से मिली, चुपचाप अकेली जा रही थी। तो रुकुम रास्ता में मिल गया, रुकुम बोला, कहाँ जा रही हो रुक्मिणी? पूजा करने भैया। नहीं जाओगी, बारात वाले लोग द्वार पर आ गए, पूजा करने कहाँ जा रही हो? भैया आज जा रहे हैं, कल से फिर नहीं जाएंगे। अच्छा, मानोगी नहीं? नहीं। तो लड़कियों को बुलाया, जवाब दिया, रुक्मिणी के संग जाओ, बहुत जल्दी पूजा करा के बहुत जल्दी आना। अब भगवान के पास के लिए रुक्मिणी जा रही है, अब जो सोच रही है कि उमाई पुल पट्टी ना खुल जाए। श्याम सुंदर ने कहा था कि अकेले ही भेज दियो। अब रुक्मिणी जी चली सुकाऊ से, ना बोली, चुपचाप जा रही, मुंह बनाती वहीं। एक काल लगी दीदी, रुक्मिणी की आदत का आज ही भरे में बदल गई। वैसे कहूँ जाऊ कत्ते तो बड़ी बातें करो कत्ती थी, बड़ा हंसाऊ कत्ती थी, अब तो जे कहूँ से बोली ना रही। दूसरी काल लगी तो ना मालूम जे इनकी की कल शादी है ना, शादी के घमंड के मैं चटकी पत्नी जो तुमसे कहे को बोलेंगे। रुक्मिणी ना बोली, और इधर भगवान ने जैसे ही दूर से लंबी लाइन देखी, लाइन टूटी ना नहीं। भगवान सोचने लगे, बारे पंडित जी हमने तो एक बुलाई हो, तुमने जहाँ लाइन लगा दे, अब हम जो ना जानते थे रुक्मिणी है तो कौन सी है कि नहीं ले जाए। भगवान मन में सोच रहे, सोचने लगे,